everyone, I Chahe Kalra welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we'll discuss important question and answers of combustion and flame. ये part 2 बनाया जा रहा है. पहले हम part में important question discuss कर चुके हैं. ये कुछ और रह गए थे, वो discuss करें. आप लोगों से एक request है कि please पहले आप लोग जो videos में पढ़ा दिया गया है, आप पहले उसको देखिए. Moving on to the question, it says give reason. The fire produced by burning oil and petrol, they cannot be extinguished by using water. ये क्लास में भी डिस्कस हुआ था, बताया गया था कि आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑयल और वाटर में जो वाटर होता है वो आपका हैवियर होता है या लाइटर. आपका वाटर जो है वो आपका हैवियर होता है और वो नीचे सिंक कर जाएगा और ऑयल जो है लाइटर है तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा. सारी मेहनत बेकार. पॉइंट नंबर वन. नेक्स्ट कहता है द फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और इन इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर. ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? गुड कंडक्टर है. तो हो सकता है कि अगर आपने पानी डाला तो वो वाटर आपको ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके आप ही के लिए इलेक्ट्रिक शॉक ना प्रोड्यूस कर दे. सो फर्स्ट पार्ट, वाटर इज हैवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल. सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर बर्निंग ऑयल और पेट्रोल इट सेटल्स. इट मतलब वाटर सेटल हो जाएगा क्योंकि वो हैवी है एंड द ऑयल और पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझने के लिए मैं ये भी दे सकती हूँ. जब आप कोई भी अपनी सब्जी खाते हैं घर पे, जो डिश बनती है उसमें आप ऑयल तैरता हुआ देखते हो तो पानी नीचे सिंक हो जाता है, राइट? सो इट कंटिन्यूज टू बर्न. थस फायर कॉज बाय बर्निंग ऑयल और पेट्रोल दे कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर ओवर इट. सेकेंड पार्ट, ऑर्डनरी वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट. सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर द बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इट कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशिंग पर्पस. ओके, थस वाटर शुड नॉट बी यूज. नेक्स्ट, थ्री टाइप्स ऑफ कंबशन बताए गए थे कि आपके पास थ्री टाइप्स है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, रैपिड एंड एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन तो सबसे यूनिक है जहाँ पे आपका साउंड भी प्रोड्यूस होता है. एक्सट्रीम हीट एंड लाइट. स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप फायर कैच कर लेते हैं. रैपिड का मतलब मुझे लेके जाना पड़ेगा उसको फायर के पास. सो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, मतलब कि अपने आप, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. इसका एग्जाम्पल है केरोसिन में. इसी रीजन की वजह से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं हम लोग. When we bring a matchstick or a gas lighter near the gas stove in the kitchen and turn on the knob, the gas burns rapidly and produces light. इसको हम बोलते हैं rapid combustion. When a cracker is ignited, sudden reaction takes place with evolution of heat, light and sound. उसको हम कहते हैं explosion. Okay? Moving ahead. Give examples of solid, liquid and gaseous fuel. Fuel वो होते हैं substances जो burn करते हैं with flame, right? So combustible substance को हम बोलते हैं. So इसके क्या है आपके examples? Solid fuels के examples हो जाएंगे. आपके पास three type के fuels हैं, solid, liquid and gas. So examples of solid fuel are wood, charcoal, coal, coke, agricultural waste and cow dung. So इसको हम हिंदी में उपले बोलते हैं. लिक्विड का पेट्रोल है, अल्कोहल है, केरोसिन है, डीजल है. देन एग्जांपल्स ऑफ गैसेस इज नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, देन कोल गैस. एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो भी आपका इसका एग्जांपल आ सकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कितनी एनर्जी आपकी रिलीज करी जाएगी व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज बर्न. हमें 1 इसलिए बोल रहे ताकि वो यूनिटरी मेथड में रहे. ओके, सो गिव इट्स यूनिट किलो जूल पर केजी. अरेंज द फ्यूल, से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, वापस इसमें आते हैं. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग, आधी अधूरी नहीं, कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इज कैलोरीफिक वैल्यू और ये एक्सप्रेस करे जाते हैं यूनिट्स किलोग्राम, किलो जूल पर केजी में. अब आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू. सबसे पहले उसने कहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम वाली सबसे पहले. केरोसिन, हाइड्रोजन गैस, एलपीजी, कोल, वुड. सो ऑब्वियसली बात है कि वुड क्या होगा, सबसे धीरे कैच करते हैं, तो वुड, फिर कोल, फिर केरोसिन, फिर एलपीजी, फिर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को तभी तो रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. एक अच्छा फ्यूल कौन सा होता है, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए. गुड फ्यूल वो होगा जो मैक्सिमम को टिक लगाएगा. आइडियल जो होता ही नहीं है कोई, ठीक है. सबसे पहला रेडीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, सस्ता होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल, बर्न कर जाए और मॉडरेट रेट पर, इतना भी हीट ना दे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है पर इतनी भी ना दे, फर्क है इसका.
डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस ना छोड़े. नेक्स्ट डिफाइन फ्लेम, फ्लेम एक रीजन है जब कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न करता है उसके साथ जो आता है. मेंशन द सब्सटेंस विच बर्न बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम, फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबस्टन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस. सो सम ऑफ द सब्सटेंसेस विच बर्न आर बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम, एलपीजी आपने अपने घरों में देखा होगा, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम की तो पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है, केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल. थ्री जोन्स ऑफ फ्लेम एंड एक्सप्लेन इट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका ये डायग्राम आप लोगों को याद होना चाहिए. सो थ्री जोन्स होते हैं, इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट एंड द मिडल जोन. सो द इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन आपका ये वाला है जो अनबर्न्ड वैक्स पेपर्स का रहता है, मतलब अंदर आपकी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी और इस सीजन की वजह से वो काफ़ी कोल्डर होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगी, जबकि बाहर वाला क्या आएगा, सबसे ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि वहाँ सफिशियंट सप्लाई है ऑक्सीजन का. सो इट सेज इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज डार्क और ब्लैक क्योंकि वहाँ उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिली है. इट कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड वेपर्स, वो बेचारों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और अनबर्न्ड रह गए हैं, एंड दैट इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम. द मिडल जोन दैट इज येलो इन कलर, जो आपको यहाँ दिख भी रही है, इट इज ब्राइट एंड ल्यूमिनस क्योंकि मॉडरेट सप्लाई है वहाँ पर, बिकॉज इज नॉट इनफ एयर फॉर बर्निंग इन दिस जोन. द पार्शियल बर्निंग इट प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल्स. नेक्स्ट आउटर जोन जो बिल्कुल बाहर है, दैट इज ब्लू नॉन ल्यूमिनस जोन है. नॉन ल्यूमिनस मतलब कि लाइट एमिट नहीं करता है. कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस बिकॉज इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट, क्योंकि ओवर कंबशन हो जाएगी क्योंकि एयर पूरा है वहां पर. इट हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम एंड इट्स द हॉटेस्ट पार्ट एज कम्पेयर, और ये बाहर वाली जो रीजन है वो काफी थिन होता है, ये थिन, ये थिक, और वो तो बेचारा ना के बराबर ही. नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, फ्यूल बर्न करने से क्या क्या होता है. बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो सकता है, एक्सेट्रा. सो इट सेज बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज अनबर्न्ड पार्टिकल्स. अनबर्न्ड रह जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा सप्लाई नहीं मिलता है और उस सीजन की वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू इनसफिशियंट एयर, इट प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैस व्हिच इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड. बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल, दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विच गोज इन टू द एयर, और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी चोकिंग गैस मानी जाती है. बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एयर इन द एनवायरमेंट. नेक्स्ट एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होता है, एसिड रेन किसके वजह से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से और सल्फर डाइऑक्साइड. पूरा डायग्राम बताया था और समझाया था कि जब वो ऊपर जाते हैं तो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रस एसिड और सल्फ्यूरस एसिड. तो जब कंडेंस होकर क्लाउड बनाएंगे इट विल फॉल एंड इन द फॉर्म ऑफ रेन. और हार्मफुल कैसे है, हार्मफुल इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप इनको लैंड पे लाए, मतलब गिरेंगे वो, तो क्रॉप्स को, मॉन्यूमेंट्स को, सबको डेंजर पहुंचाएंगे. सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस बाय बर्निंग दे फॉर्म एसिड्स. द रेन वाटर कंटेनिंग एसिड्स इज कॉल्ड एज एसिड रेन. It is very harmful for forests, aquatic animals and buildings. Disadvantages of burning wood as a fuel. सबसे पहले बहुत ज़्यादा smoke release करता है which is very harmful और वो आपको respiratory diseases भी cause करता है. जो trees है वो हमें काफ़ी useful substances देते हैं, तो ये wood आएगा कहाँ से, वहीं से ही आएगा. When trees are cut down to obtain wood for fuel, then useful substances जो आपको tree से चाहिए वो सारे lost हो जाते हैं. The cutting down of trees also leads to deforestation, which is a very harmful effect on the environment in the long run. LPG is a better domestic fuel than wood. Obviously, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं कॉज करता है हार्म environment को. High calorific value मतलब थोड़ी सी heat लगाकर ज़्यादा heat generate होती है. It burns without producing smoke, which is very important. यानी कि burning of wood से तो बहुत smoke आएगा, तो इससे comparatively कम आता है. LPG burns completely without leaving behind any solid residue, but wood जो होगा वो ash burn करेगा, leave करेगा ash. And with respect to this, all Q&A of the chapter combustion and flame is finished. If you have any doubts, you're free to ask me in the chat section. Thank you.